कांग्रेस जीतेगी चारों तरफ गवर्नमेंट बनाई। भारतीय जनता पार्टी की असलियत खुद सामने आ गई है। आखिर में वो वही हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। झूठी झूठी बातें कांग्रेस के खिलाफ कहना और ऐसी बातें कहना जो कभी संभव ही नहीं है। क्या कोई मंगलसूत्र ले सकती है सरकार किसी का भी? आज तक लिया है कांग्रेस राज कर रही है, 1952 से लेकर के 56 साल राज किया है, लेकिन इस तरीके की बातें उड़ाने से जो है माहौल ख़राब करने से, क्योंकि वो चाहते हैं कि माहौल ख़राब, ये माहौल हिंदू वो ऐसी हो जाए, पोलराइजेशन हो जाए तो हम जीत जाए चुनाव, तो जीत नहीं जाए वो चुनाव। ये दावा करने से हैट्रिक लगाएंगे इस बार भी, बीजेपी दावा कर रही है 25 की 25। वो तो दावा करते ही रहेंगे, कैंडिडेट तो हमेशा दावा करता है। आप जितने यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस सीट से, सबसे पूछो सब यही कहते हैं कि मैं जीतूंगा। सर लगातार गुंजल साहब एक बात उठाते रहे कि लगातार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है पुलिस, गुंजल साहब लगातार इस दौरान ऐसा आरोप है और है भी सही, कई कार्यकर्ता गिरफ्तारियाँ करी हैं, खाम खाम है बिना बात गिरफ्तारियाँ की है। पिछला भी चुनाव देख लो आप, 18 का चुनाव मैंने लड़ा, उसके बाद में ये अभी का 23 का चुनाव लड़ा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई कहीं पर भी नहीं हुई। आते रहते चुनाव ऐसी कोई बात नहीं। अगर मान लो आपको आपको किसी से शिकायत है तो बुला के पाबंद कर दो उसको भाई, गिरफ्तार काहे को करते हो? क्या लगता है सर प्रशासन दबाव में रहा इस बार के? प्रशासन के टोटल दबाव में है जैसा मैं सुनता हूँ, ये लगता है कि सब प्रशासन पूरे दबाव में है। क्या बौखलाहट है उधर की तरफ? बौखलाहट से ही तो ये चीज़ें होती है, अगर बौखलाहट नहीं हो तो कोई दिक्कत होती है? उनको लग रहा है कि पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं, पिल्ला जी को लग रहा है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार क्यों, कई चुनाव लड़ लिए उन्होंने पहला दिन है। ये वोटिंग परसेंटेज भी पूरे राजस्थान में डाउन हुआ, क्या लगता है इसको लेकर क्या करना चाहिए? परसेंटेज अगर डाउन होती है तो उसका अर्थ तो यही माना जाता है कि सरकार को बदलना चाहते हैं लोग। अगर सरकार को कायम रखना होता है तब तो निश्चित तौर पर परसेंटेज ज़्यादा रहती है। बीजेपी के लिए 25 में से 25 सीटें आएंगी।